कुरान करीम अल्लाह की किताब, आखिरी किताब और सारी इंसानियत के लिए और इंसानों के लिए रहनुमाई बनाकर भेजा गया। हुदल लिन्नास, अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान तमाम इंसानों के लिए हिदायत का जरिया है और इसे हकीकी मानों में इस किताब से फायदा उठाने वाले मुत्तकीन होते हैं। हुदल लिल्मुत्तकीन अल्लाह ने फरमाया। कुरान करीम के नुजूल का मकसद बताते हुए सूरह सात में अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है, किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन लियतदब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। कि ये किताब जिसको हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ उतारा है, ये बड़ी बाबरकत किताब है, ये बरकत वाली किताब है। क्यों उतारा है? लियतदब्बरू आयाती, ताकि लोग इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें, इसको समझें। वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब, और इसलिए कि अकलमंद लोग इससे नसीहत हासिल करें। तो कुरान मजीद के नुज़ूल का असल मकसद सिर्फ तिलावत नहीं है, कुरान करीम के नुज़ूल का असल मकसद कुरान करीम को समझकर उस पर अमल करना, उससे नसीहत पकड़ना, ये कुरान करीम के नुज़ूल का मकसद है। तो इस किताब को नाज़िल करने की हिकमत ये है कि लोग उसकी आयात में तदब्बुर करें, उसके इल्म का इस्तिंबात करें। कुरान मजीद से जो हमें इल्म हासिल होता है, दुनियावी इल्म भी हासिल होता है उसमें और दीनी इल्म भी हासिल होता है, उसको उस इल्म को हासिल करें, उसके असरार और हिकम में गौर व फिक्र करें। ये आयत कुरान मजीद की सूरह साद की ये आयत करीमा कुरान मजीद में तदब्बुर करने की तरगीब दे रही है, हमें उभार रही है कि हम कुरान मजीद को गौर व फिक्र के साथ पढ़ें। और इस बात पर यह आयत दलालत करती है कि कुरान करीम में तदब्बुर और गौर व फिक्र करना सबसे अफजल अमल है, सबसे अफजल अमल है। और यह आयत इस बात की भी दलील है कि वो तिलावत जो गौर व फिक्र के साथ होती है, तदब्बुर के साथ होती है, ऐसी तिलावत कहीं ज्यादा अफजल है उस तिलावत से जो गौर व फिक्र के साथ नहीं होती, जो समझकर नहीं होती। क्योंकि जब इंसान समझता है तो उसका असर कबूल करेगा। कुरान मजीद की बहुत सारी आयत हम नमाजों में सुनते हैं, हाँ नमाजों में अल्लाह सुभान व तआला ने तिलावत को मशरू क्यों किया है? क़याम में जो तिलावत की जाती है उसका असल मकसद क्या है? उसका असल मकसद यह है याद दिहानी मकसद है उसका। उसमें अहकामात दिए जाएंगे, उसमें तकवे की बात कही जाएगी, बुराइयों से रोका जाएगा। ये सुनकर इंसान क्या करता है? बुराइयों से बच जाता है। इसीलिए कहा गया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि यकीनन नमाज रोकती है बुराइयों से और फहश कामों से। कैसे रोकती है? ऐसे ही रोकती है, कुरान मजीद की तिलावत उसमें होती है। तो इंसान सुनता है, समझता है, वो चीज उस पर असर करती है, तब जाकर हकीकी मानों में उसकी नमाज उसके काम आती है और उसको बुराइयों से रोकती है। अगर इंसान वैसे ही नमाज पढ़ लेता है बगैर समझे कि उस क्या अदा कर रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है कुरान नमाज में, उसका ध्यान उसमें नहीं है, गौर फिक्र के साथ नहीं पढ़ता, तो हकीकी मानों में ये नमाज उसके फायदे नहीं पहुंचाएगी। हकीकी फायदा उसको, मुकम्मल फायदा उसको हासिल नहीं होगा, अगरचे कि फर्ज अदा हो जाता। तो कुरान मजीद के नुज़ूल का मकसद यही है कि हम कुरान मजीद को गौर फिक्र के साथ पढ़ें और समझ कर पढ़ें। और आयत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब, ताकि अकलमंद लोग इससे नसीहत पकड़े। इस हिस्से में आयत के इस बात की दलील है कि हर इंसान को अपनी अकल के मुताबिक इस अजीम किताब से नसीहत हासिल होती है। हर इंसान को उसकी अकल के मुताबिक नसीहत हासिल होती है। कोई ज्यादा अकलमंद है उसको ज्यादा नसीहत मिलेगी, कोई कम अकलमंद है, दरमियाना है, उसको उसके हिसाब से नसीहत हासिल होगी, कोई कम है, बहुत कम है, उसको उसके हिसाब से नसीहत हासिल होगी। बहरहाल ये सब के लिए नसीहत है, ये कुरान सबके लिए नसीहत है। इसीलिए अल्लाह सुभान व तआला ने लोगों को खिताब करते हुए एक और आयत में फरमाया कि क्या ये लोग कुरान मजीद पर गौर फिक्र नहीं करते? डांटा है अल्लाह ने, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, कि क्या लोग कुरान मजीद पर गौर फिक्र नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं?
दिलों पर ताले लगे हुए हैं, तो किताब अल्लाह से रूह गर्दानी करने वाले ये लोग अल्लाह की किताब में तदब्बुर और गौर फिक्र क्यों नहीं करते? अगर ये गौर फिक्र करते जैसा कि गौर फिक्र करने का हक है, तो इन्हें सच्चाई की राह उसमें मिल जाती, ये किताब उन्हें जन्नत की राह बतलाती और उन असबाब को बतलाती है जिन असबाब से हम जन्नत में दाखिल होंगे। अगर हकीकी मानों में लोग इस किताब में गौर फिक्र करें तो अल्लाह सुबहानो ये किताब उसको जहन्नम को ले जाने वाले आमाल क्या है उसकी राह निशानदही करेगी, जिससे इंसान जहन्नम से बच जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया अफला तदब्बुरून अल-कुरान, क्या हो गया कि लोग कुरान पर गौर फिक्र नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, या ये कि उनके दिलों में ताले लगे हुए। हम देखते हैं असल अक्सर मुसलमानों की आबादी कुरान मजीद को बगैर समझे पढ़ती है। कुरान मजीद के साथ हमारा जो हाल है हम सब जानते हैं, ये वजाहत की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ताको में रख देते हैं, बस साल में एक मरतबा पढ़ लिए, या कभी किसी का इंतकाल हो गया तब पढ़ लिए, ताको में सजा कर रख देते हैं। और कुछ लोग सिर्फ तोता जिस तरह बोलता है उस तरह पढ़ लेते हैं, उसमें क्या बताया गया है उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता और ना वो सीखने की कोशिश करते हैं और ना ऐसे दुरुस में हाजिर होते हैं जहां पर कुरान करीम की तालीम होती है। ये कुरान करीम से रूगर्दानी है, ये कुरान करीम से एराज करना है, ये कुरान करीम से अपने मुंह को मोड़ना है। इसको अल्लाह सुबहानहू व तआला हरगिज माफ नहीं करेगा। कुरान करीम के हुकूक में से एक हक यह है कि हम कुरान करीम को समझ कर पढ़ें। इसीलिए कुरान करीम पर ईमान लाना, उसकी कमाह को तिलावत करना, उसको समझना, उस पर अमल करना और उसकी दावत को आम करना, ये पांच हुकूक हैं कुरान मजीद के हम पर। एक मुसलमान पर ये पांच हुकूक हैं कुरान मजीद के। इन पांचों हुकूक को हत्तल उसा हमारी हैसियत के मुताबिक अदा करना जरूरी है। तो कुरान करीम पर अमल करके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गए। और ये किताब बहुत सारे लोगों को बुलंद करती है, जो लोग इससे फायदा उठाते हैं उनको बुलंद करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़ु बिहादल किताबि अक़वामन व यदाउ बिही आखरीन, यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस किताब के जरिए से बहुत सारे लोगों को उरूज देता है, तरक्की देता है जब वो अमल करेंगे। व यदाउ बिही आखरीन, अगर लोग इस किताब से रूगर्दानी करेंगे, छोड़ देंगे, तो उनको बस्ती और जिल्लत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ढकेल देता है। इसी मफहूम को शायर ने इन अल्फाज में अदा किया है, वो मुआज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान होकर। तो कुरान करीम का समझना ये बहुत अहम है हम मुसलमानों के लिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की आखिरी किताब है और रहती दुनिया तक के लिए ये रहनुमा किताब है।